हेलो यूट्यूब, मैं जॉनसन आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हूँ। मैंने आपको बताया था कि जो सी मेरी फीमेल रैबिट है उसके जो से उसने 4 बेबी बनीज दिए थे जिसमें से 3 मर गए। उनके साथ क्या हुआ मैंने आपको कहा था कि मैं दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगा, तो मैं आज आपको बताता हूँ। ये आप देख सकते हो कि ये मैंने जो सा ये अपने बेबी बनीज के लिए नया केज बनाया है, तो मैंने उसमें किया हुआ। तो ये आप देख सकते हो कि ये वाला बस एक बेबी बनी बचा है, तो बाकी के जो से 4 बेबी बनी 3 बेबी बनी थे वो मैंने रात को देखा कि जो सी फीमेल रैबिट है उसने 4 बेबी बनीज दिए हैं। तो मैंने जो से अपनी फीमेल रैबिट को चारों तरफ से ढाँप कर उसको जो सा मैंने जो सा मोटा कपड़ा होता है उसके साथ लपेट कर मैंने उसको केज में रख दिया। तो उसके बाद मैंने देखा कि उस जो सी फीमेल रैबिट है उसने जो सी इस केज की जाली है वो जो सी है सारी खींच दी हुई थी, वहाँ से तोड़ दी हुई थी। तो जो सा बड़ा चूहा है वो उसने 3 बच्चों को वो जो सा 2 बच्चे वो ले जा चुका था और एक बच्चे वहीं पे पड़ा हुआ था, उसका जो सा दिमाग है ना जो वो उसने खाया हुआ था, बाकी वो उधर ही पड़ा हुआ था। सिर्फ ये एक बेबी बनी था जो कि बच्चा हुआ था। तो जो सी मेरी दूसरी फीम में रैबिट ने बहुत ही अच्छे तरीके से पाला, तो मैं आज मैंने इसको भी अलहदा कर दिया क्योंकि ये अभी 15 दिन का हो चुका है। तो ये आप देख सकते हो कि सारे बेबी बनी इसको मैंने यहीं पे ये वाले केज में ले आया हूँ क्योंकि बारिश हो रही थी, तो इसलिए मैं जो सा अपने बेबी बनी इसको जो सा अंदर जो सा केज है उसको ले आया था। और ये आप देख सकते हो कि मैंने ये गत्ता लगा कर ये सारी जगह से महफूज कर दिया। आप देख सकते हो कि मैंने ये पूरे लकड़ी लगा कर अपने केज को महफूज कर दिया। यह आप देख सकते हो कि ये जो सी जाली है ये फीमेल रैबिट ने खींच कर तोड़ दी थी, जिसकी वजह से ये पूरा केज में जो सा ख़राब हो गया था और जो सा चूहा है वो केज में आ गया था। तो अब मैंने जो सा ये केज दोबारा से जो सा सही कर कर लकड़ी लगा कर ये बेबी बनी इसके लिए तैयार की है। तो आप देख सकते हो कि कितने आराम से कितने खुश हैं यहाँ पर। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।